नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्थ। दोस्तों, आज हम एक नॉर्मल कैंची से एक इलेक्ट्रॉनिक कैंची बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना कैंची और एक 3 वोल्ट डीसी मोटर। उसके बाद इस मोटर को हम इस कैंची के किसी भी एक साइड में गम से ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक मोटा प्लास्टिक का सीट। उसके बाद उस प्लास्टिक सीट से हम ऐसा एक राउंड शेप का टुकड़ा काट लेंगे। उसके बाद इस व्हील को हम इस मोटर के ऊपर ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक खाली पेन का रिफिल। उसके बाद उस रिफिल से हम ऐसा दो छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। उसके बाद एक टुकड़े को हम इस व्हील के ऊपर और दूसरे टुकड़े को हम इस कैंची के इस साइड में गम से ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक आइसक्रीम का स्टिक और 2 पीस मिनी स्क्रू। उसके बाद इस आइसक्रीम स्टिक को हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे और ये 2 स्क्रू से हम इसे हल्का टाइट कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक कनेक्टर। उसके बाद इस कनेक्टर का पॉजिटिव पिन हम मोटर के इस पिन के साथ और इस कनेक्टर का नेगेटिव पिन हम मोटर के इस पिन के साथ ऐसे सुधा कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्किट को अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।